अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है कि हम लेने लगे हैं, हम क्या लेने लगे, मैं लेने लगा हूँ एप्पल वॉच और सीरीज 6 लेने लगा हूँ। पहले मेरे पास सैमसंग थी, उसके बाद मैंने फ़ोन, पहले मेरे पास सैमसंग था, फिर मैंने फ़ोन चेंज कर लिया था, मैंने कहा घड़ी भी चेंज कर लेते हैं। क्योंकि वजह ये थी कि ये ना एप्पल के फ़ोन के साथ ये इतनी कंपेटेबल नहीं है। ये सैमसंग के साथ बड़ी अच्छी कंपेटेबल है। ये मैं 2-3 साल पहले ली थी, ये सैमसंग S3 फ्रंटियर है। तो अब एप्पल की मैं लेने लगूँ वो सीरीज 6 है, GPS प्लस सेलुलर। और 7 भी आ गई है, लेकिन उसको आते आते उसने नवंबर दिसंबर में आना, तब तक मैंने साइड पे होना। और उसका एप्पल का मैंने पूरा इवेंट देखा है और इतना कोई मुझे मेजर फ़र्क नहीं लगा। और वो आएगी भी शायद काफ़ी महंगी होगी, इससे काफ़ी महंगी तो नहीं होगी, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। जिस तरह 12 और 13 में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय कैमरे के, तो इस तरह सीरीज 6 और 7 में डिफरेंट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो भी सेलुलर प्लस GPS है, मतलब GPS का तो मतलब आप लोगों को पता होगा कि लोकेशन से रिलेटेड हर चीज़ हमारी GPS से कनेक्ट होती है। उसके बाद सेलुलर ये है कि उसमें eSIM डल जाती है, और eSIM नहीं डलती मतलब eSIM होती है, वो आपको कनेक्शन कर देते हैं। कोई भी जो अगर आप एतिसलात UAE में हैं, और एतिसलात वाले आपको eSIM आपके फ़ोन के साथ कंपेटेबल कर देंगे, तो आपकी eSIM चलेगी। इवन अगर आपका फ़ोन घर में भी पड़ा होता है तो कॉल आपको आपकी वॉच पर आप कॉल रिसीव कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन कहीं पे भी और आप बाहर हो तो आप इजीली अपने कॉल रिसीव कर सकते हो, तो वो eSIM है। तो फिर हमने कहा चलो जब लेनी है, तो मैं सोचा जब लेनी है तो फिर वो eSIM वाली ले लेते हैं, तो चलो काम भी आ जाती। अगर फ़ोन आपके पास नहीं भी है तो कॉल आपके फ़ोन आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से कहीं पर भी हो तो आप कॉल रिसीव कर सकते हो उस पर से। तो एनीवेज तो फिर वो अभी हम देख रहे हैं, उसमें सजेशन दोस्त से भी ली है कि कौन सा कलर लें कौन सा कलर ना लें उसमें से। मतलब फ़ोन मेरा ब्लू है, अगर मैं ब्लू लेता हूं तो फिर वो मतलब स्पेसिफ़िकली ब्लू हो जाएगा। अगर मैं बाद में फ़ोन भी चेंज करता हूं तो फिर ब्लू के साथ तो फिर कलर मैच नहीं होगा, इतने कलर में इतना मैं टॉम क्रूज एनीवेज तो कलर मैच नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि कलर मैच करके क्या करें, ब्लैक कलर ले लेते हैं। मतलब आलू वाला सीन हो जाएगा इसमें, आलू जितना हर सब्ज़ी के साथ चल जाता है, हर गोश्त के साथ चल जाता है, इस तरह ही ब्लैक कलर हमारा हर ड्रेस के साथ, हर फ़ोन के साथ, हर चीज़ के साथ कंपेटेबल हो जाता है, मर्ज हो जाता है और चल जाता है। तो दिखाते हैं आपको कहाँ से लेनी है और आपको अनपैकिंग भी दिखाते हैं। तो आपने रहना है साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मर्जी है, आ जाओ। अब आपको दिखाते हैं आई वॉच की सीरीज 6 GPS प्लस सेलुलर की अनबॉक्सिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैपर हो गया। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा टेक्निकल तरीके से खोलना पड़ता है, पहले साइड्स खोलें इसकी। क्या बात, बॉक्स है। इसका चार्जर है, ये
ये इसका चार्जर आ गया। अच्छा, इसके साथ आपको वो नहीं मिलेगा, इसके जो चार्जर के साथ चार्ज करने के लिए चार्जिंग वायर है, तो ये हमारी वॉच आती है। और मुझे लग रहा है हमारे साथ दो नंबर ही हो गई है, क्योंकि मुझे अभी तक स्ट्रैप नज़र नहीं आ रहे स्ट्रैप की जगह। हाँ, वॉच आपको बाद में खाती, पहले स्ट्रैप देखने से हमने लिया ब्लैक कलर से। स्ट्रैप्स नज़र नहीं आ रहे। अभी तक मुझे वो एप्पल के स्टिकर भी नज़र नहीं आए, जो दो स्टिकर मिलते हैं हर प्रोडक्ट में, उनकी स्टिकर नहीं है इसके अंदर, वो स्टिकर नहीं है इसके अंदर। ये हमारे स्ट्रैप्स हो गई ये, और एक साथ फ्री है आई थिंक। अगर एक आपका ख़राब हो जाए ये वाला, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेयर हमारे पास, एप्पल की वॉच खोलते हैं। 44 है। माशाल्लाह, ऑन करते हैं इसको। जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपने घड़ी वॉच अनबॉक्स कर लेनी है, तो उसको सबसे पहले आपने चार्ज करना है, क्योंकि कुछ फ़ोन्स होते हैं या वॉचेस होती हैं, सब मेरी फ्रंटियर थी, वो 15-20% चार्ज थी, लेकिन ये 0% चार्ज थी। तो उसको फिर मैंने 1.5 आवर चार्ज किया, फुल चार्ज हो गया, फिर मैंने उसको यूज़ किया, और मुझे कंपेरेटिवली फ्रंटियर से ये ज़्यादा एडवांस लगी है, ज़्यादा अच्छी लगी है। एनीवेज़, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।